मुंगेर मंडलांतर गत कुमरसार नामक ग्रामे श्री एकादश रुद्र समीपे नदी तटे विक्रम शके बोधा अवतारे पिंगल नाम संवत्सरे श्री सूर्य। तो दोस्तों जिस नदी कुमरसार नदी को सालों भर दिखाते हैं उसी नदी में देख रहे हैं यहाँ पर यज्ञ शुरू हो रहा है। हर महादेव जय बाबा वैद्यनाथ। आप सभी देख पा रहे हैं कुमरसार नदी में यहाँ पर जो है यज्ञ जो कि हमने आपको दो तीन बार पहले ही अपडेट दे चुका था, आज जो है कलश यात्रा यहाँ से शुरू होगा। पूरा नदी प्रांगण में देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा भक्तों का भीड़ है कलश यात्रा वाला। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं कुमरसार नदी को दिखाते हैं किस प्रकार से कुमरसार नदी में भीड़ है। तो चलिए दोस्तों लगातार वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही अपडेट आप सभी को मिलता रहता है। और एक और सौभाग्य मिला है कुमरसार नदी में, देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ धीरज भाई भी है और लेकर के हमेशा जो है साथ में ही चलते हैं। हम दोनों को लगभग समझिए कि सौभाग्य ही मिलता है कि हम सभी यहाँ आते हैं। तो चलिए पूरा वीडियो को दिखाते हैं कुमरसार नदी वाला। तो यहाँ से आगे दोस्तों देख रहे हैं ये 11 मुखी मंदिर जो है हनुमान मंदिर के सामने से ये भीड़ जा रही है सभी कलश लेने वालों को, कलश यात्रा में शामिल सभी भक्तों को देख रहे हैं। साथ में घोड़े भी हैं बहुत सारे, लगभग 10 से 12 की संख्या में है। और यहाँ से जाएंगे नदी की ओर, यहाँ देख रहे हैं खाली कलश लेकर के जा रहे हैं नदी के तट पर। वहाँ पर जो भी होगी संकल्प होगा पूजा सामग्री जो भी होगी तट पर, वहाँ पर फिर कलश को भरा जाएगा, फिर से यात्रा को शुरू किया जाएगा। तो देख रहे हैं सभी जा रहे हैं, भक्तों की जो भीड़ है बहुत ही जो है ऐसा देखने को कम मिलता है। और ज़्यादातर आपको भीड़ कुमरसार नदी में तो सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में देखने को मिलता है और मिलेगा। तो देख रहे हैं वो 11 मुखी हनुमान मंदिर वहाँ पर है और वहाँ से ही ये कलश की जो है यात्रा शुरू होगी। उससे पहले जो है कुमरसार के तट पर जाकर नदी में जाकर गंगा जल भरा जाएगा। और ये वही रास्ता है, ये वही मोड़ है दोस्तों जहाँ से कुमरसार नदी में कांवरिया भक्तों की जो भीड़ होती है यात्रा का पथ यही है। और यहाँ से ही कुमरसार नदी में जाया जाता है इस कोने से, इस मोड़ से। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से नदी प्रांगण में। यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार जो है दो लाइन करके बारी बारी से सभी कोई आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ से देख रहे हैं सामने जो है कुमरसार नदी दिख रहा है, इसी नदी में जल भरा जाएगा कलश में और इसी नदी में यज्ञ हो रहा है दोस्तों, कहीं दूर नहीं हो रहा है। और यहाँ से ही कलश यात्रा शुरू होगी और यहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में कलश यात्रा को घुमाया जाएगा, फिर यहाँ पर कलश रखा जाएगा। और यहाँ साथ साथ देख रहे हैं कितने सारे कांवरिया भी देखने को मिल रहे हैं। क्या भव्य नज़ारा है, महादेव भक्त और यज्ञ में ना हो ऐसा हो सकता है क्या? देख रहे हैं महादेव भक्त बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भी देख रहे हैं, कांवरिया भक्त भी ज़्यादा मिल रहे हैं। और यहाँ से देख रहे हैं कलश के लिए लंबी लाइन देखने को मिलता जा रहा है। तो चलते हैं धीरे धीरे नदी में और वहां से जाकर देखते हैं किस प्रकार भव्य नजारा है। सेम इसी प्रकार जो है दोस्तों सावन के महीने में आप सभी को कांवरिया भक्तों को दिखाते रहते हैं और देखने का मौका मिलता है। सौभाग्य की बात है कि आज जो है फिर से देखने को मिला है कि जो यही वो कुमरसार नदी है और इसी कुमरसार नदी में किस प्रकार जो है भक्तों की भीड़ जा रही है और नदी तट पर पहुँच ही चुका है। तो हम आगे चलकर देखते हैं किस प्रकार आगे की जो प्रक्रिया होती है वो भी दिखाएंगे, कैसा जो है यहाँ पर यज्ञ पूजा होगा और संकल्प होगा। तो आगे देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, पहुंच ही चुके हैं बिल्कुल नदी में पानी के पास। और यहां से एक बार देख रहे हैं ऊपर से देख रहे हैं किस प्रकार जो है भव्य भीड़ देखने को मिलता जा रहा है और पीछे देख रहे हैं किस प्रकार पंडाल टेंट बना भी हुआ है। इसी नदी में यहां पर यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। तो चलते हैं देख रहे हैं नदी किनारे किस प्रकार यहाँ पर भीड़ हो चुकी है नदी में। ओम नमः शिवाय नमः पदये हारा हारा महारे। तो आगे यहाँ पर देखने के बाद पता चल रहा होगा दोस्तों कि ये वही माहौल है और वही नदी है जहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार जो है कांवरियों भक्तों का कैसरिया सैलाब देखने को मिलता है। आज उसी नदी में देख रहे हैं किस प्रकार फिर से भीड़ देखने को मिल रहा है। और यहाँ से आगे चलेंगे, आपको वहाँ पर लेकर के जाएंगे जहाँ पर जो है किस प्रकार जो है वहाँ पर पूजा होगा, पूजा वाला जहाँ पर पंडित लोग आए हुए हैं यज्ञ कराने के लिए, तो वहाँ पर भी लेके जाएंगे और पूजा पूरा जो है पूजा प्रक्रिया दिखाएंगे। आप भी जो है पूजा में शामिल होइए साथ साथ। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए किस प्रकार पूजा प्रक्रिया चल रही है।
सुनो हो मारा बाप पालन हो दादा पदयन तेजोराया देवी माजक छोरा दादा मां श्री विष्णुवे नमः श्री विष्णुवे नमः श्री विष्णुवे नमः हस्ते गंधाक्ष पुष्पाणि गृहीत्वा मंगल मंत्राणि पठेयो ओम मां भद्रांगारे पिहे श्रीणुया महादेव भद्रां पदये मां वो बोलेंगे जो सुन पाएंगे वो सुनेंगे इस प्रकार से संकल्प बोला जाएगा। विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो विष्णु आज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो आहने द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टा विंशति तमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बो द्वीपे भूर लोके भारत वर्षे भरत खंडे आर्या वर्तैक सर्वत्र प्रजापति क्षेत्रे गंगा दैव्याः उत्तर दिग भागे विक्रम शके बोधा अवतारे नल नाम संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे पिंगल नाम संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे वसंत ऋतु महा मांगल्य प्रद मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे चैत्र मासे वसंत नवरात्र प्रथम दिवसे मुंगेर मंडलांतर गत कुमरसार नामक ग्रामे श्री एकादश रुद्र समीपे नदी तटे विक्रम शके बोधा अवतारे पिंगल नाम संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे वसंत ऋतु महा मांगल्य प्रद मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे चैत्र मासे सुवेह शुक्ले पक्षे शुक्ल पक्षीय अद्य प्रतिपदायाम शुभ पुण्य तिथो। और यहाँ पर देख रहे हैं संकल्प पूजा होने के बाद सभी कोई जो है अपने अपने कलश में जो है जल भर रहे हैं और फिर यहाँ से आगे कलश यात्रा की तैयारी होगी। पूरा कुमरसार नदी देख रहे हैं दोस्तों भरा है भक्तों से और बहुत ही अच्छा भव्य माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। देख रहे हैं कितना ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता जा रहा है और पूरा कलश यात्रा की तैयारी है, यज्ञ की तैयारी है, पूरा 11 दिन का यज्ञ है 9 अप्रैल से जैसे हमने बताया था और 20 अप्रैल तक 2024 में यह यज्ञ होगा। और देख रहे हैं यहाँ पर यज्ञ में कलश यात्रा की जो है शुरू हो गई है और किस प्रकार देख रहे हैं कुमरसार के ग्रामीण क्षेत्र में कलश यात्रा शुरू कर दी गई है और ये भव्य माहौल दोस्तों और भी भक्तों तक पहुँचाएँ, वीडियो को शेयर कर दें ताकि कोई भी मिस ना हो पाए ऐसी जानकारी के लिए। तो दोस्तों जिस नदी कुमरसार नदी को सालों भर दिखाते हैं उसी नदी में देख रहे हैं यहाँ पर यज्ञ शुरू हो रहा है और आज जो है कलश यात्रा आपको दिखाए, बहुत ही ज़्यादा जो है भव्य नज़ारा रहा, भव्य माहौल रहा। तो ऐसे ही अपडेट जो है आप सभी तक मिलता रहता है और मिलता भी रहेगा। पीछे देख रहे ये रहा, पीछे वाला जो देख रहे हैं ये हनुमान मंदिर है, 11 मुखी हनुमान मंदिर है कुमरसार नदी में और कांवरिया पथ जैसे बोलबम जाते हैं तो इस कलश यात्रा में हमने 7 से 8 लगभग जो है कांवरियों को भी कवर किया, वो दिखाए जो है जा रहे थे बाबा धाम की ओर। और पीछे देख रहे हैं कांवरिया पथ, अभी जो है काफ़ी ज़्यादा धूप हो रहा है, अभी कांवरिया भी नहीं जा रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ, जय श्री राम आप सभी को कुमरसार नदी से।